ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को खुली धमकी दी है कि अगर मांगी नहीं मानी गई तो सामान्य जनगणना का भी बहिष्कार किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोग जनगणना का विरोध करेंगे, उसके बाद अब भाजपा के मंत्रियों ने भी लालू प्रसाद की चौतरफी घेराबंदी शुरू कर दी है। मामले में बिहार सरकार ने गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने साफ कर दिया कि इस पर बेवजह की राजनीति की जा रही है। जनगणना लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए किया जाता है ताकि उनकी आधार बीपीएल और एपीएल का निर्धारण किया जा सके, लेकिन इसे लोग अपने राजनीतिक इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा, राजद सुप्रीमो एजेंडा पर बात करने की जगह बेवजह का प्रोपेगेंडा सेट करने में लगे हैं। यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद के जनगणना बहिष्कार की बात पर तंज कसते हुए कहा कि यह कहते थे कि झारखंड का गठन हुआ तो खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन झारखंड का गठन भी हुआ और वह खुद वहां के जेल में अपनी सजा भुगतने के लिए पहुंच गए। लालू प्रसाद की राजनीति अब सिर्फ बेवजह के मुद्दों पर की जा रही है। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि 1931 के बाद कभी दोबारा जातिगत जनगणना नहीं हुई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों किसी सरकार ने इस पर पहले विचार नहीं किया? जाहिर है कि पहली बार में ये बात समझ में आ गई थी कि इस तरह की जनगणना देश की सामाजिक ताने-बाने को बनाने में मुश्किल उत्पन्न कर रही है। यही कारण है कि किसी सरकार ने इस प्रकार जनगणना कराने की जरूरत नहीं समझी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे भी यह राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर हमारे मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अपना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, गाइडलाइन को पालन करते हुए, राष्ट्रीय ध्वज अपने दरवाजा पर, अपने गांव में, अपने टोला में फहरा कर, कोई समाज का बुजुर्ग आदमी है, उत्कृष्ट आदमी है, कोई किसान बढ़िया है, कोई वंचित समाज का आदमी है, कोई उद्यमी है, कोई सेवानिवृत्त है, कोई राष्ट्रीय पुरस्कृत व्यक्ति है, तो उनके सम्मान में तिरंगा झंडा को फहराकर और सामूहिक रूप से जन गण मन गान, जो राष्ट्रीय गान है, उसको गाकर और अमृत महोत्सव मनाना है। ये नहीं कि देह में देह सबके कीर्तन गाना है। लोगों में लापरवाही तो हम तो कह रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रख। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, तो जो होगा निर्णय उसको तो हम लोग पार्टी सहमत है, लेकिन हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हम लोगों का पार्टी का मूल मंत्र है। न कोई जाति हम लोगों को छोड़ कर चलना है। हम लोगों को गरीबी हटाने के उद्देश्य से, लोगों को समृद्ध शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। पर्यटन को लेकर बिहार में क्या योजना है सर, आगे साफ बोलिए, पर्यटन के विकास के लिए आगामी सर योजना को बताया सर, बिहार में पर्यटन के क्षेत्रों में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, कोरोना 2020 से लेकर 21 तक रहा, उसमें हमारे पर्यटकों की उपस्थिति कम हुई और उस स्थिति में हम लोग पर्यटन का काम को, अभी जो कोरोना काल में कमी जो आई है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने जो कमी किया है और व्यवस्था किया है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी पर्यटकीय स्थल है उसके संबंध में हमने आज से 5 दिन पहले केंद्र से भी राशि मांगने के लिए गए थे, वार्ता हुई है केंद्रीय मंत्री जी से, इस पर विशेष तौर पर हम लोग बनवा रहे हैं, उनसे मांग पत्र भेज रहे हैं और वहां से जब हमको प्राप्त होगा तो पर्यटन स्थल को और विकसित करने का काम करेंगे, पर्यटन स्थल को विकसित करेंगे, पर्यटकीय सुविधा भी देंगे, रहने के लिए व्यवस्था भी करेंगे और सुरक्षा के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इन सारी बातों को व्यवस्था के लिए हमने दिल्ली भी गए, माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई, हमारे विभाग के जितने भी पदाधिकारी गए हैं सबसे वार्ता हुई है, काम हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाला समय जो कोरोना काल स्थिर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो हम लोग विकसित करेंगे। नेतृत्व भी हो सकते हैं लोग, हम कहाँ इसके बारे में, तो
ऊपर की बात है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके पहले आज तक ये लोग कहाँ थे? ये जो आज़ादी के इतने साल बाद तक नहीं हुआ जाती है जनगणना, एक बार हुआ तो क्यों रुक गया? उसका कहीं ना कहीं से दुष्परिणाम तो आया होगा, उसके वजह से रोका गया। और इससे समाज को मैंने क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लाभ देना चाहते हैं उनको? लालू जी का बात आप जो कर रहे हैं तो उनको तो एम वाई समीकरण छोड़ कर दूसरी जाति से मतलब है नहीं रहा। ये जो हम लोग जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को ले कर चलते हैं, तो हम लोगों को चिंता है कि समाज के चाहे जिस तबके के हो, जिस जाति के लोग जो है और वो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको समृद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए हम उन लोगों की गणना आवश्यकता है। वो जातीय जनगणना नहीं करा के गरीबों की गणना की मांग हम लोग करते हैं।